दोस्तों, टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। ये एक इंडियन म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। वहीं इंडिया का सेकंड बिगेस्ट म्यूजिक चैनल जी म्यूजिक कंपनी है, जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज का हिस्सा है। तो आइए आज हम इन्हीं दो बड़ी म्यूजिक कंपनीज को कंपेयर करें और इनके बीच का फर्क जाने। ऑनर से लेकर एम्प्लॉइज और चैनल से लेकर आर्टिस्ट तक, आज हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे कंपेयर। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंडस्ट्री। जी म्यूजिक कंपनी एक म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। वहीं टी सीरीज एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक वीडियोस और फिल्म ट्रेलर्स को अपने मशहूर चैनल पर प्रेजेंट करती है। नंबर टू, हिस्ट्री। 2014 के लॉन्च के दौरान जी एंटरटेनमेंट के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका ने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी कामयाबी हासिल करने की एक बेहतरीन जगह है और यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज भी है। और अपने लॉन्च के बाद से ही जी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के साथ कॉम्पिटिशन में आ गयी। वही गुलशन कुमार शुरुआत में दिल्ली के अंदर फ्रूट जूस बेचा करते थे। बाद में इन्होंने टी सीरीज की शुरुआत की और 1988 के साउंडट्रैक कयामत से कयामत तक, जिसे आनंद मिलिन ने कंपोज किया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और आमिर खान और जूही चावला इसमें स्टार थे। इस गाने के रिलीज के बाद टी सीरीज काफी मशहूर हो गया और ये गाना इंडियन म्यूजिक एल्बम 1980s का एक बेस्ट सेलिंग सॉन्ग भी बना। नंबर थ्री, फाउंडेड इन। टी सीरीज कंपनी की शुरुआत 11 जुलाई साल 1983 में हुई थी। वहीं जी म्यूजिक की शुरुआत 9 मार्च साल 2008 में हुई थी। नंबर फोर, ऑनर्स। टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 में हुआ था। गुलशन एक इंडियन बिजनेसमैन और बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर थे। साल 1997 में मुंबई अंडरवर्ल्ड के द्वारा गुलशन कुमार का मर्डर कर दिया गया था और तब से टी सीरीज को गुलशन के छोटे भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण कुमार संभाल रहे हैं। वहीं जी म्यूजिक कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुराग बेदी है और जी म्यूजिक कंपनी से जुड़े ज्यादातर काम यही संभालते हैं। नंबर फाइव, सर्विसेज। जी म्यूजिक कंपनी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की सर्विसेज देती है, जैसे उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवीज के सॉन्ग। वहीं टी सीरीज म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल और फिल्म प्रोडक्शन है। ये भी एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़ी सर्विसेज देते हैं, जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर टी सीरीज मूवीज के ट्रेलर्स और न्यू सॉन्ग्स एंड एल्बम्स को रिलीज करते हैं। नंबर सिक्स, हेडक्वार्टर। टी सीरीज का हेडक्वार्टर नोएडा इंडिया में है। वहीं जी म्यूजिक कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में स्थित है। नंबर सेवन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जी म्यूजिक कंपनी के पास 3,366 एम्प्लॉइज हैं और जी एंटरटेनमेंट के पास 13,826 एम्प्लॉइज हैं। वहीं गूगल सर्च के मुताबिक टी सीरीज के पास 300 एम्प्लॉइज हैं, जिनमें से 13 एम्प्लॉइज फुल टाइम टी सीरीज के यूट्यूब चैनल को हैंडल करते हैं। नंबर एट, सोशल मीडिया। टी सीरीज के इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर 36 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं जी म्यूजिक कंपनी के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर 9.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर नाइन, यूट्यूब चैनल। जी म्यूजिक कंपनी ने यूट्यूब पर अपना चैनल साल 2014 में क्रिएट किया था और आज उनके चैनल पर 65.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल है टी सीरीज के बाद, क्योंकि टी सीरीज ने यूट्यूब को साल 2008 में ज्वाइन किया था और आज इस चैनल के 164 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसने सब्सक्राइबर्स के मामले में प्यूडीपाई जैसे बड़े यूट्यूबर को भी पीछे कर दिया। नंबर टेन, की पीपल। टी सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार है और इनके साथ इस चैनल को कृष्ण कुमार और नीरज कुमार भी चलाते हैं। वहीं जी म्यूजिक कंपनी के मार्केटिंग हेड कृति राय है और इसके डिजिटल हेड विनय ग्वालानी है। नंबर 11, आर्टिस्ट। अब अगर आर्टिस्ट यानी सिंगर्स की बात करें तो जी म्यूजिक कंपनी के पास कुछ खास सिंगर्स में अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल, तनिष्क बख्शी, कुमार सानू और अरमान मलिक जैसे आर्टिस्ट का नाम मौजूद है। वहीं टी सीरीज के पास ध्वनि भानुशाली, गुरु रंधावा, नेहा कक्कर, योयो हनी सिंह, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, अरमान मलिक, बी प्राक और AR रहमान जैसे बड़े नाम हैं। दोनों ही कंपनीज के पास बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पर कुछ बड़े आर्टिस्ट सिर्फ टी सीरीज के साथ ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने सिंगल एल्बम भी यही रिलीज करते हैं। वहीं जी म्यूजिक का निर्णय है कि वो 2020 में 1000 गाने पूरे करके रहेगा। तो दोस्तों, ये था इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन। आपको कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, टी सीरीज या फिर जी म्यूजिक कंपनी? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।